हल्द्वानी में हरिशरणम जन संस्थान की ओर से एमबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में मौजूद सैकड़ों लोग 112 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह के गवाह बने। यहां कन्याओं की शादी के साथ साथ उन्हें नए दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी साजो सामान भी उपहार स्वरूप दिया गया। भव्य विवाह कार्यक्रम में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हर तरफ महिलाओं द्वारा वैवाहिक मंगल गीत गाए जा रहे थे तो पंडाल मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। इस सामूहिक विवाह समारोह में उत्तराखंड के सीमांत जोहार और चौका समाज के लोग कन्याओं के लिए बारात लेकर आए, जबकि बंगाली और गोरखा समाज के लोगों ने अपने रीति रिवाज के अनुसार बारात का स्वागत किया। इस दौरान विधि विधान के साथ ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ विवाह कराया। हरिशरण जन संस्थान के संस्थापक राम गोविंद दास भाई जी ने बताया कि 112 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है, जहां शहर की तमाम संस्थाएं एक मंच पर आईं और सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा सका है। पूरे हिंदू रीति रिवाजों और विधि विधान के साथ कन्याओं की शादी कराई गई है। आपको बता दें कि संस्था की ओर से पिछले 8 नवम्बर से कई तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, जहां प्रख्यात कथावाचक मृदुल महाराज द्वारा भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। हरिशरणम जन के माध्यम से कन्याओं का विवाह हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की बहुत प्राचीन जनजाति जिसको हम भोटिया समाज के रूप में जानते हैं, उसी जोहार के शौका समाज ने आज उन बच्चों की विवाह की बारात निकाली और हमारे उत्तराखंड के निवासियों के रूप में रह रहे बंगाली और गोरखा समाज के लोगों ने इस बारात का स्वागत किया। 111 कन्याओं के रूप में कुमाऊं ही नहीं, कुमाऊं से लगे हुए क्षेत्रों की और कुछ उत्तर प्रदेश की भी बेटियों की शादियां यहां पर आज हो रही हैं। सभी शादियां यहां पर इस प्रकार से की जा रही कि वैदिक रीति से उनका साधन संपन्न होकर के और नगर के सभी लोगों ने उस उपहार में सहयोग करते हुए बेटियों को खूब उपहार के रूप से विदा कर रहे हैं। हल्द्वानी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है ये। मेरे ख्याल से पहली बार इतनी तादाद में यहाँ पर शादियाँ हो रही है और हम लोग वर पक्ष की ओर से जितने दूल्हे थे उसको हमने यहाँ पे जोहार नगर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और सारे जितने भी वर हैं उनको लेके हम बराती के रूप में यहाँ आए। आयोजन कार्यक्रम बहुत ही हल्द्वानी के लिए सराहनीय कार्य है, एक इतिहास रचा है इस कार्य ने। आज सभी वर्ग सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। हम लोग यही लोकल है, ये पनाल के पास ही मेरा घर है, मेरा नाम गीता रावत है। ये कन्याओं का कन्यादान का आयोजन चल रहा है, ये हमारे समाज में पहली बार हो रहा है, इतना भव्य समाज हो रहा है। हम बारात लेके आए मिलन केंद्र से, अपने 100 किलो के हम सब अपने 111 दुल्हनों को लेके आए, हम बाराती बन के आए और इसका एहसास बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आगे भी होना चाहिए ये संदेश, आगे भी जा रहा है। शादी का आनंद बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पंडाल बहुत अच्छी तरह सजा हुआ है और सब काम जितना भी यहाँ पे सिक्वेंस के तरीके से हो रहा है। हल्द्वानी के सारे सामाजिक संगठन इस कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। का मतलब क्या फायदा होता है और संगठन की क्या मजबूती होती है, इसका हमें देखने को मिला भाई जी के इस प्रोग्राम। और हम लोग उत्तराखंड से हुए हैं किला खेड़े के पास से और यहाँ पर हम लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा महसूस किया है यहाँ पर और यहाँ काफ़ी हल्द्वानी के लोगों ने अच्छा स्वागत किया है और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी सारा अच्छा मौसम मिला है देखने को और बहुत अच्छा लगा सारा कुछ। इन सब लोगों को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष है और इनका नाम शीतल है और हम किला खेड़े से आए हैं उत्तराखंड से और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हम इन सबको धन्यवाद करना चाहते हैं। हम विशाल रहते हल्द्वानी में ही हैं, यहाँ पर आकर के सही लग रहा है। हमारे साथ अन्य शादी भी हुई हैं तो यहाँ पर भी आकर के हमें अच्छा लग रहा है।